इंस्टाग्राम में ओपन करने के बाद यहाँ से जैसे स्लाइड करते हैं इस तरह से, तो ऑटोमेटिक किस तरह से प्रॉब्लम आ रही फिक्स करना चाहते हैं तो आसानी से फिक्स कर सकेंगे। जैसे देख सकते हैं मैसेज योर फ्रेंड्स का ऑप्शन आता है और आप में ये प्रॉब्लम आ रही है हमेशा, तो इसको आपको फिक्स करना चाहते हैं तो आसानी से फिक्स कर सकेंगे। इसके लिए फ्रेंड इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे देख सकते हैं फ्रेंड हमारा इंस्टाग्राम में जो बग रहता था मैंने फिक्स कर चुका हूँ। जैसे देख सकते हैं हमारा इस तरह से मैसेज पूरा शो करने लगा और फ्रेंड आपका पूरा मैसेज यहाँ से नहीं शो कर रहा था तो आसानी शो करने लगेगा। इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देख सकते हैं आपको अपने मोबाइल में जैसे बग रहेगा उसको फिक्स करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल को दो बार चेक करिएगा, जैसे देख सकते हैं स्लाइड करेंगे हिलाएंगे इस तरह से आ जाएगा। उसके पास से देख सकते हैं यहाँ से रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन आता है, तो इस रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नीचे देख सकते हैं इंक्लूडेड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करेंगे और आपका यहाँ से जो देख सकते हैं फोटो शो कर रहा है, यहाँ में आपको जितना लिखा रहता है जो आपको बग रहता है यहाँ से लिखा आ जाएगा इस तरह से। जैसे यहाँ से लिखा आएगा तो यहाँ से आपको ओके कर देना है, ओके करने के बाद यहाँ से आपको शो करेगा और यहाँ से इसे ऊपर में एक्सक्लेम करेंगे इंस्टाग्राम टीम हमारे जो तब मैसेज शो नहीं कर रहा है, जो मेरे चैट पूरा शो नहीं कर रहा है, इस प्रॉब्लम को हमारा फिक्स करिए। इस तरह से आप पूरा डिटेल में आपको यहाँ से लिखना ना, हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो अपने मन मुताबिक जितना जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैंने क्लियरली लिख चुका हूँ, आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके पर से आपको क्या करना है, यहां से सेंड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सेंड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिपोर्ट चला जाएगा। उसके पर से 24 से 48 घंटे में आपको इंस्टाग्राम बग रिपोर्टेड फीडबैक आपको यहां से इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके पर से फ्रेंड आपको क्या करना है, यहां से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद फ्रेंड आप इंस्टाग्राम को एक बार अपडेट कर लीजिएगा। जैसे देख सकते हैं हम यहां से मेनू बार को ओपन करेंगे, जैसे ही मेनू बार को ओपन करेंगे तो यहां से अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको लिखना है इंस्टाग्राम, जैसे देख सकते हैं हम लिख चुके हैं। जैसे इंस्टाग्राम लिखेंगे तो आपका यहाँ से अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। उसके पर से आपको यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद फ्रेंड आपको जैसे इस तरह से आपको प्रॉब्लम करने के बाद तभी भी नहीं फिक्स होता है तो आप अपने मोबाइल के जो था क्रोम ब्राउजर को ओपन करिएगा। जैसे देख सकते हैं सबसे नीचे हमारा क्रोम ब्राउजर है, इस क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। देख सकते हैं हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर चुके हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से सर्च करना है इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन। जैसे इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन लिखेंगे तो फ्रेंड आपका यहाँ से आ जाएगा। जैसे आएगा तो आपको यहाँ से फर्स्ट वाला जो रहता है यहाँ से स्लाइड यहाँ से आपको एक बार इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से सिस्टम लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपका जितना भी इंस्टाग्राम पुराना वर्जन रहेगा यहाँ शो कर देगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से जितने वर्जन रहता है यहाँ से आपको डेट वाइज देख लेना है। उसके पर से आपको इसमें से नीचे वाला जो था तीन चार नीचे आपको ट्राई कर लेना है, जो आप इसमें कोई भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद लॉग इन करेंगे अपना इंस्टाग्राम आईडी इसमें आपको शो करेगा। बाय द वे आप इसमें आसानी से देख सकेंगे और उसके पर से फिर से उसको ट्राई करते रहिएगा। जैसे फ्रेंड उसमें सही हो जाएगा तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा और आसानी से उसमें चलाना चाहते हैं ओरिजिनल में तो आसानी से चला सकेंगे। इस तरह से अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।